हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। तो सबसे पहले हम कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें आपको कॉलेज का रैंक, कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट, कॉलेज का ग्रेड, ये सब पता चल जाएगा। सेकंड नंबर पर हम देखने वाले हैं डिपार्टमेंट और सीट मैट्रिक्स, तो टोटल कितने ब्रांचेस हैं इस कॉलेज में और हर एक ब्रांचेस में टोटल कितनी सीटें हैं। थर्ड नंबर पर हम देखने वाले हैं इस कॉलेज में एमएससी सीट या कट ऑफ, तो हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से हम कट ऑफ देख लेंगे, फी स्ट्रक्चर देख लेंगे हर एक कैटेगरी के हिसाब से, हॉस्टल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, टोटल कितने हॉस्टल है गर्ल्स बॉयज़ के लिए और फीस क्या है उनकी, वो सब देख लेंगे। छठे नंबर पर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट, तो हम हर एक ब्रांच का अकेडमिक ईयर के हिसाब से प्लेसमेंट भी देख लेंगे, कॉलेज का हाइएस्ट पैकेज क्या कहता है, एवरेज और मिनिमम पैकेज भी देख लेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज का लोगो और कॉलेज की इमेज। और अब हम कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कॉलेज हमारा 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो लगभग आज से इस कॉलेज को 58-59 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट नेम की बात करें तो कॉलेज का पूरा नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती है। कॉलेज की हम लोकेशन देखें तो कॉलेज हमारा VMV रोड नियर कठोरा नाका अमरावती 4,44,604 में है। और अब हम कॉलेज के स्टेटस की बात करें तो कॉलेज हमारा गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एंड अफिलेटेड बाय संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.gcoea.ac.in। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब हम कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो नागपुर एयरपोर्ट है, जो कि 155 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो अमरावती रेलवे स्टेशन है, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड की बात करें तो अमरावती बस स्टैंड है, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पे। अब कॉलेज के DTA कोड की बात करें तो कॉलेज का DTA कोड 1002 है, 1002। अब हम कोर्सेज की बात करें तो इस कॉलेज में हमें बीटेक की डिग्री मिल जाती है, बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बीटेक में हमें यहाँ पे 6-7 ब्रांचेस मिल जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हमें सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है, फिर कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, IT मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, जिसे हम ENTC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, और लास्ट में हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। तो आप देख सकते हो हर एक ब्रांच में हमें 60 सीटें मिल जाती हैं, 60, 60, 60, 60, तो टोटल हमें बीटेक में 390 सीटें मिल जाती हैं। अब हम एमटेक की बात करें तो एमटेक मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमें यहाँ पे 7-8 ब्रांचेस मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमें CS मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मिल जाता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाता है, थर्मल इंजीनियरिंग मिल जाता है। तो आप देख सकते हो हर एक ब्रांच में आपको 18 सीटें मिल जाती हैं, तो टोटल आप देख सकते हो 139 सीटें मिल जाती है। तो आप बीटेक के बाद इस कॉलेज में एमटेक भी कर सकते हो। अब सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का कट ऑफ, तो हमें यहाँ पे MSCCET 2021 का कट ऑफ दिया गया है। तो हम हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेते हैं, ताकि आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन सी ब्रांच में कितना कट ऑफ लगने वाला है। तो सबसे पहले हम सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ आप देख सकते हो 85.79% आ गया था, OBC का 80.91% आ गया था, ST का 76.15% आ गया था, ST का 62.33% आ गया था, EWS का 81.45% आ गया था और TFWS का 90.56% आ गया था। तो आपको जैसे कि पता होगा TFWS का हर एक ब्रांच में कट ऑफ हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी 100% ट्यूशन फीस होती है ऑफ हो जाती है। अब सबसे मेन ब्रांच आती है हमारी कंप्यूटर और IT की, तो कंप्यूटर का आप देख सकते हो ओपन का कट ऑफ 96.27% आ गया था, OBC का भी सेम 96.23% आ गया था, ST का 92.62% आ गया था, ST का 86.77% आ गया था, EWS का आप देख सकते हो यहाँ पे 95.77% आ गया था, TFWS का 97.59% आ गया था। तो आप देख सकते हो जो TFWS का कट ऑफ है ज़्यादा ही कुछ हाई है। IT डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 94.74% आ गया था, OBC का 94.56% आ गया था, ST का 91% आ गया था, ST का 68% आ गया था, EWS का 94% आ गया था, TFWS का 95% आ गया था। अब हम एक और ब्रांचेस की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ओपन का कट ऑफ 86% आ गया था, OBC का 84% आ गया था, ST का 78% आ गया था, ST का 70% आ गया था, EWS का 72% आ गया था और TFWS का 87% आ गया था। अब हम ENTC डिपार्टमेंट की बात करें, ENTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो उसका ओपन का कट ऑफ 91% आ गया था, OBC का 90% आ गया था, ST का 84% आ गया था, ST का 46% आ गया था, EWS का 89% आ गया था और TFWS का 93.72% आ गया था। अब इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 64% आ गया था, जो कि आप देख सकते हो अदर ब्रांच के कंपेयर में थोड़ा कट ऑफ कम है इस ब्रांच में। OBC का 61% आ गया था, ST का 26% आए, ST का 58% आए, EWS का 63% आए और TFWS का 74% आए। अब हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन द कट ऑफ 82% आ गया है, OBC का 78 गया है, ST का 76 गया है, ST का 30% आए,
EWS का 65% आयल है और TAWS का 88% आयल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको IT डिपार्टमेंट में जाना है, मतलब CSIT, ENTC ये सब ब्रांच चाहिए, तो आपको 90+% आयल लाना पड़ेगा, जब भी आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। CS का आप देख सकते हो 90 है, IT का 94 है, ENTC का 91 है, और TAWS के लिए भी आप देख सकते हो सेम कट ऑफ सबका हाई है, कोर ब्रांचेस में थोड़ा कट ऑफ कम है, मतलब 85 तक है। तो आपको अगर कोर ब्रांच के लिए जाना है तो आपको लगभग 85% आयल लाना पड़ेगा, जब भी आपका यहाँ पे आराम से एडमिशन हो पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में इस कॉलेज की फ़ीस कम ही होने वाली है, जिससे कि आप देख सकते हैं जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है 15,000 दी गई है, डेवलपमेंट फीस 39,850 रुपीज़ दी गई है, यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस टोटल 28,700 दी गई है। तो टोटल जो आपकी फ़ीस है 83,550 रुपीज़ हो गई। और हम हर एक कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस देख लेते हैं, तो ओपन की जो फ़ीस है 83,550 रुपीज़ दी गई है। SC ST की फ़ीस है यहाँ पे आप देख सकते हो 3,200 रुपीज़ दी गई है, जिनको ट्यूशन फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ीस, हर एक फ़ीस ऑफ हो जाती है। VJDT, NT 1, 2, 3, OBC, SBC जो इनकी फ़ीस है 43,050 रुपीज़ दी गई है। EBC, SEBC और EWS की फ़ीस है 76,050 रुपीज़। तो इनमें क्या होता है, आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है 50% ऑफ हो जाती है। और TAWS की बात करें तो TAWS का फ़ीस यहाँ पे देख सकते हो 68,550 रुपीज़ दी गई है, जिनका क्या होता है, ट्यूशन फ़ीस 100% ऑफ हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेते हैं। तो हमें इस कॉलेज में गर्ल्स बॉयज़ दोनों हॉस्टल मिल जाते हैं। तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे 4 हॉस्टल मेंशन किए गए हैं और गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल दिए गए हैं। तो बॉयज़ में जो 4 हॉस्टल हैं, पहला सतपुड़ा है, फिर सह्याद्री, अजिंता, फिर AICT हॉस्टल है। तो हर एक में आप देख सकते हो टोटल कितने रूम हैं और टोटल कितने स्टूडेंट की कैपेसिटी है। सबसे पहला जो हॉस्टल है सतपुड़ा, उसमें 54 रूम है और टोटल 162 की कैपेसिटी है। सेम उसी तरह सह्याद्री में भी है, अजिंता में भी सेम है। जो AICT हॉस्टल है उसमें टोटल 11 रूम है और 44 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, मतलब पर रूम में 4 स्टूडेंट। और हम टोटल रूम्स की बात करें तो 4 हॉस्टल मिला के 173 रूम्स हैं और टोटल 526 बच्चों की कैपेसिटी है। अब गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो पहला हमें जीजाऊ हॉस्टल मिल जाता है, जिसमें 81 रूम है और टोटल 243 बच्चों की कैपेसिटी है। छठे नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो गर्ल्स का सेकेंड हॉस्टल है, न्यू गर्ल्स हॉस्टल उसका नाम है, जिसमें आपको 81 रूम्स मिल जाते हैं और टोटल 190 बच्चों की कैपेसिटी है। अब टोटल गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो हमें 164 रूम्स मिल जाते हैं और टोटल 433 बच्चों की कैपेसिटी है। अब गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिला के देखें तो टोटल 335 रूम्स है और टोटल कैपेसिटी जो स्टूडेंट की 959 है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 के आसपास। अब हम कॉलेज के हॉस्टल फ़ीस की बात करें, कॉलेज की जो हॉस्टल फ़ीस है एकदम ना के बराबर है। मतलब मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि कॉलेज की जो हॉस्टल फ़ीस है 150 रुपीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया नो हॉस्टल फ़ीस, खाली वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो 500 रुपीज़ है। अब मेस चार्जेस की बात करें तो पर मंथ आप देख सकते हो यहाँ पे 1500 से 1800 रुपये लग जाते हैं। तो फिलहाल तो अभी लॉकडाउन की वजह से मेस बंद चालू है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सबसे मेन पार्ट आता है हमारा कॉलेज का प्लेसमेंट। तो हम आप यहाँ पे देख सकते हो एकेडमिक ईयर के हिसाब से कितनी कंपनी आई थी, मैक्सिमम पैकेज क्या गया था, एवरेज पैकेज क्या था और मिनिमम पैकेज क्या गया था। तो 2017-18 की बात करें तो टोटल 37 कंपनी आई थी, मैक्सिमम पैकेज 7.98 लैक्स गया था, एवरेज पैकेज 4.24 लैक्स गया था और मिनिमम पैकेज 2.4 लैक्स गया था। 2018-19 की बात करें तो जो हाईएस्ट पैकेज था 15.5 लैक्स गया था, एवरेज पैकेज 3.9 लैक्स गया था और मिनिमम पैकेज 3 लैक्स था और टोटल कंपनी यहाँ पे 31 आई थी। 2019-20 की बात करें तो टोटल 30 कंपनी आई थी, मैक्सिमम पैकेज जो है 17.5 लैक्स गया था, एवरेज पैकेज 4.3 लैक्स था और मिनिमम पैकेज 3 लैक्स था। 2020-21 की बात करें तो टोटल 57 कंपनी आई थी इस कॉलेज में और मैक्सिमम पैकेज 18 लैक्स गया था, एवरेज पैकेज 4.5 लैक्स था और मिनिमम पैकेज 2.4 लैक्स था। तो आप देख सकते हो इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है डेली बढ़ते जा रहा है, मतलब पर ईयर बढ़ते जा रहा है। अभी 15 लैक्स था, 17 लैक्स हुआ, 18 लैक्स हुआ और एवरेज पैकेज इस कॉलेज का मतलब 4.5 के अराउंड ही है और मिनिमम पैकेज आप देख सकते हो यहाँ पे 2.4 लैक्स के आसपास ही है। अब ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट है, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है यहाँ पे, हाईएस्ट पैकेज है अच्छा है, एवरेज एंड मिनिमम पैकेज सब कुछ अच्छा है। अब हम ब्रांच वाइज भी देख लेते हैं कि टोटल कितने बच्चे लोग का प्लेसमेंट लगता है। तो 2017-18 में देख सकते हो आप जो सिविल ब्रांच का प्लेसमेंट था 13 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मैकेनिकल में 11 बच्चों का हुआ था, इलेक्ट्रिकल में 6 बच्चों का हुआ था, ENTC में 13 बच्चों का हुआ था, कंप्यूटर में 33 बच्चों का हुआ था, IT में 44 हुआ था। तो 2017-18 में ओवरऑल 47 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। 2018-19 की बात करें तो आप देख सकते हो सिविल में 5 बच्चों का हुआ था, मैक में 13 बच्चों का हुआ था, इलेक्ट्रिकल में 18 का हुआ था, ENTC में 26 का हुआ था, कंप्यूटर में 56 का हुआ था, IT में 45 का हुआ था। तो ओवरऑल 172 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। 19-20 में भी आप देख सकते हो सिविल में खाली सिर्फ 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मैकेनिकल में 18 बच्चों का हुआ था, इलेक्ट्रिकल में 19 बच्चों का हुआ था, ENTC में 29 बच्चों का हुआ था, कंप्यूटर में 44 का हुआ था और IT में 48 का हुआ था। तो
ओवरऑल की बात करें तो आप देख सकते हो 19-20 में 165 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, और 2020-21 की बात करें तो सिविल में 9 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मैकेनिकल में 24 का हुआ था, इलेक्ट्रिकल में 25 का हुआ था, ENTC में 31 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, कंप्यूटर में 47 का हुआ था, IT में 46 का हुआ था, और ओवरऑल प्लेसमेंट देख सकते हो आप 2020-21 का 195 का हुआ था। मतलब आप देख सकते हो पर ईयर प्लेसमेंट बढ़ते जा रहे हैं ओवरऑल। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो CSIT का है, हर टाइम में आपका 40+ बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, और बाकी कंपेयर टू सिविल, मैक, इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांचेस में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन CSIT में अच्छा प्लेसमेंट दिख रहा है। और इस कॉलेज में एक और चीज़ अच्छा है, अगर आप कोर ब्रांचेस से हो और आपको अगर IT फील्ड में टेक ब्रांच में जाना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अभी भी इस कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। और कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी और डिटेल इस कॉलेज के रिलेटेड देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना। तो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे उस ग्रुप में भेजते रहूँगा, और जो भी CTCL की तरफ से जो भी नोटिस आता है तुरंत मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। और आप वहाँ पे एक दूसरे से कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जिससे आपको मतलब कॉलेज ढूंढने में और आसानी होगी, आप तो मतलब और अच्छे से कॉलेज पहचान पाओगे अपने लिए। और वो ग्रुप आपको कॉलेज काउंसलिंग के लिए एकदम बेस्ट होने वाला है, तो आप आराम से कॉलेज की लिस्ट वहाँ से बना सकते हो कैप राउंड के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, जो भी डाउट वगैरह रहेगा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।